हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका न्यू चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले की वीडियो में हमने यहाँ पे लेसन नंबर 9 खत्म कर दिया था। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस चीज़ पे या जिस भी आप कॉस्ट पे किसी को खरीदते हो, है ना, वो आपका होता है सीपी। फिर आता है एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस दाम पे आप किसी चीज़ को बेचते हो वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर इसके बाद आता है प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है लॉस, और फिर आता है उसका परसेंटेज फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना या गेन परसेंट फाइंड करना, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पेज पे ही, प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट पेज पे ही आप एक जो है प्रॉफिट से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड, गेन उसके गेन परसेंट से, लॉस परसेंट से, एसपी से, सीपी से रिलेटेड यहाँ फार्मूलाज लिखे हैं, वो फॉर्मूला आप लर्न करा लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यहाँ पे है, जैसे सी पी यहाँ पे इक्वल टू होता है यहाँ पे 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, और इसी से आपका एसपी भी निकल जाएगा। देखिए अगर आपको एसपी फाइंड करना हुआ यहीं पे, एसपी इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको ऊपर लिखते हैं। अगर आपको यहाँ पे एसपी फाइंड करना हुआ, तब जब आप एस पी फाइंड करो तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट, सी पी में जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट और इंटू हो जाएगा यहाँ पे सी पी अपान 100। ये एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा ट्रांसपोजिशन करने से, ठीक है। ये तो था जब गेन और एस पी गेन दिया हो, गेन परसेंट गिवेन हो। अब जब आपको यहाँ पे लॉस परसेंट अगर गिवेन होगा, तो यही बस आपका यहाँ पे गेन परसेंट के बेस पे लॉस हो परसेंट हो जाएगा और आगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर गेन परसेंट के प्लेस पे लॉस परसेंट और आगे माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, है ना। बाकी आपका एसपी इक्वल टू होता है क्या, एसपी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जब आपका वो गेन परसेंट फाइंड करना होगा, तो गेन परसेंट जब फाइंड करना हो तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ऐसे लॉस परसेंट फाइंड करना हुआ तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं फॉर्मूला, बस थोड़े बहुत है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। बाकी अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखिए आप एक्सरसाइज में आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट है कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड अगेन ऑन लॉस परसेंट वेन सी पी इक्वल टू रुपीज़ कितने की मैंने 620 एंड एस पी इक्वल टू ₹730, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, गेन और लॉस। अब आप पहले ये फाइंड करें कि आपका गेन हुआ या लॉस। आपने किसी को चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने 620 रुपीज़ में जो है परचेज किया है और उसे सेल किया किसने 713, ठीक है। तो एस पी ज़्यादा है, एस पी क्या है, एस पी इज ग्रेटर दैन सी पी, तो उसका जब एस पी सी पी से ग्रेटर होगा तो हमेशा उसका क्या होगा, वो गेन होगा, ठीक है। अब गेन कितने का हुआ है, 713 में से 620 आप माइनस कर दीजिए, तो आ गया कितना है यहाँ पे 3। अब फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें से 9 और 93 आ गया, ये उसका क्या हो गया, गेन हो गया। अब यहाँ पे जब गेन आपका पता चल गया, गेन आपका यहाँ पे पता चल 93 रुपीज़ है, तो आप गेन परसेंट निकाल दीजिए। अब इसमें गेन परसेंट इसको क्या हो जाएगा, गेन कितना है 93 अपॉन सी पी 620 इंटू 100, 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे 93 और 602 और इंटू 10 इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आगे के क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस डिफाइंड करना है, और फिर आपके एक क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा सेकेंड का, सेकेंड का देखिए यहाँ पे सी पी गिवेन है ₹1650 और गेन परसेंट दिया गया है 4, गेन इसको टू कितना है 4%। आप एस पी फाइंड करते, हमें देखो कहा था एस पी जब सी पी और गेन परसेंट हो तो आपका फार्मूला देखिए ये 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 4 अपॉन 100 इंटू सी पी, सी पी कितना है 1650। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को आप यहाँ पे
सॉल्व कीजिए, 104 अपॉन 100 इंटू 1650, ठीक है, इसी को सॉल्व करिए जो आएगा भाई आपका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आप देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है यहाँ पे 6 में कि हरी बार 20 केजी ऑफ राइस, हरी ने जो है वो 20 केजी राइस खरीदा है जो, और उसका 1 केजी का दाम कितना था, 36 रुपीज, और उसने फिर चावल का राइस खरीदा है वो भी कितना, 25 केजी, किस रेट से, 32 रुपीज पर केजी के रेट से उन्हें खरीदा, और फिर उसके बाद खरीदा उसको मिला दिया, तो ये देखिए कि उसका सीपी कितना हुआ, खरीदा है उसने ना तो उसका सीपी कितना हुआ, तो आप यहाँ निकालिए इसमें सीपी ऑफ, सीपी ऑफ 20 केजी, पहले कितना था, 20 केजी था ना, 20 केजी राइस, सीपी ऑफ 20 केजी राइस एट द रेट ऑफ रुपीस, एट द रेट ऑफ रुपीस 36 पर केजी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 इंटू 36, तो 20 इंटू 36 आएगा कितना, यहाँ पे आ गया रुपीज़ 720, ठीक है। फिर आप निकालिए, अब उसने फिर 25 केजी राइस खरीदा है उसने, सी पी ऑफ 25 केजी राइस एट द रेट ऑफ इसको कितने से रेट से, 32 पर केजी इक्वल टू 32 इंटू 25, कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका कितना, रुपीज़ 800, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सीपी निकाल दीजिए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 720 प्लस 800, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1520 रुपीज़ आ गया, 1520, मतलब उसको चावल खरीदने में उसका इतना रुपया पूरा लग गया। अब सेल कैसे करना है, ठीक है, तो आप निकालिए यहाँ पे एस पी ऑफ है, अब देखिए 20 केजी ये था और 25 केजी ये, टोटल कितने हो गए, 45, 20 प्लस 45 केजी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ रुपीज़, किस रेट से वो सेल कर रहा है, 38 पर केजी, इसको टोटल कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 और 45 इन 38 इंटू 45, इसको टोटल यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा कितना, 1710, ये इतना आ गया, हो गया। अब देखिए एस पी कितना, 1710 और सी पी कितना था, 1500, तो उसका क्या हुआ, गेन हुआ है ना, तो गेन उसका निकाल लीजिए यहाँ पे, गेन इसको टोटल कितना हुआ, 1710 माइनस 1520 इक्वल टू, जब इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आप यहाँ पे कितना आएगा, 100 रुपीज़ 190। अब निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 190 अपॉन सी पी, सी पी कितना, 1520 इंटू 100, इसी को आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से कैसे, 19 8 जा, और फिर यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ आएगा 4 2 जा, आ गया क्या, 25/2%, ये आपका आंसर, या इसको मिक्स में कर दिए 12/1/2%, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर के जी, देखो एक जो कॉफ़ी है उसका कॉस्ट कितना है, 250 पर के जी, एक के जी कितना, 250 पर के जी, मतलब 250 के जी है, और फिर उसका चिकोरी है उसका जो कॉस्ट है 75 पर के जी, और दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है, 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो हम यहाँ पे लिख कर लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है 7, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी बी 5x, क्वांटिटी ऑफ चिकोरी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ क्या है, चिकोरी बी 2x, क्योंकि 5:2 का रेशियो था। अब यहाँ पे देखिए इसका उनका सी पी कितना हो जाएगा, सी पी टोटल सी पी निकाल दीजिए यहाँ पे, सी पी ऑफ 5x के जी एंड
2x kg मिक्सचर, दोनों को मिक्स किया गया है ना, तो यहाँ पे जो है निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, इसका दाम कितना था 250, तो 250 इंटू 5x प्लस इसका कास्ट कितना था 75 इंटू 2x, तो 250 इंटू 5x छोड़ो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 1250x प्लस ये कितना आएगा 150x, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को हम ऐड करने पे कितना आएगा 1400x, ये इतना आ गया टोटल, उसका क्या आ गया CP आ गया है ना। अब देखो वहाँ पे वो क्या करता है, उनको सेल करता है, किस रेट से सेल कर रहा है वो 230, ठीक है। SP ऑफ अब कितने थे 5x ये थे प्लस 2x ये था, इतने केजी मिक्सचर, SP ऑफ 7x केजी मिक्सचर एट द रेट ऑफ आप रुपीज़ कितना 230 पर केजी, इस रेट से उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल दीजिए इसमें 230 पर केजी की रेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा 230 इंटू 7x, ठीक है, ये आएगा कितना 1610x। अब ये बताओ SP आया 1610x और SCP आया 1400x, ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे कौन ग्रेटर, ये ग्रेटर है, तो उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ है, गेन कितने का हुआ है 1610x माइनस 1400x इक्वल टू 210x, 200 क्या आ गया 10x। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए या गेन परसेंट निकाल दीजिए, गेन ही इसको बोलते हैं, गेन परसेंट इक्वल टू गेन 210 अपॉन CP 1400x इंटू 100, x कैंसिल, फिर यहाँ पे डबल ज़ीरो से यहाँ पे फिर आपका ये डबल ज़ीरो कैंसिल, आपको अच्छा यहाँ पे क्या 210 अपॉन 14 में आप 14 से आप डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 14 वन जा 14 और 14 5 जा आ गया क्या 15%, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में।